एवरीवन, मैं हूं अनामिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि HD मेकअप, 3D मेकअप और एयर ब्रश मेकअप में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आपकी शादी होने वाली है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस टाइप का मेकअप आपको अपनी स्किन पर लेना चाहिए या आपको आपके क्लाइंट को कौन से स्किन टाइप पे कौन सा मेकअप देना चाहिए, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ऐसे नहीं, आपको बोर्ड पर समझाऊंगी बहुत अच्छे से। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ये तीनों चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HD मेकअप, 3D मेकअप और एयर ब्रश मेकअप किस स्किन टाइप पर जाता है। तो चलिए सीधे बोर्ड पर आते हैं और समझते हैं। हमारी क्लास 5th, इससे पहले हम स्किन टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ चुके हैं, कलर करेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। आज का जो टॉपिक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं आपको डिफरेंस क्रिएट बताने वाली हूँ कि क्या होता है HD मेकअप, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और 3D मेकअप। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आपकी शादी होने वाली है तो ये दोनों ही चीज़ें आप बहुत अच्छे से अगर समझेंगे कि किस तरीके से आपको अपने स्किन टाइप पे मेकअप कराना चाहिए, तो आज आपको आंसर भी मिल जाएगा इस चीज़ का इसी वाले वीडियो में। बेसिकली HD का फुल फॉर्म जो है वो हाई डेफिनेशन होता है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, किसी भी फाउंडेशन की बोतल के ऊपर अगर HD लिखा है या कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर HD लिखा है तो इट मींस कि वो हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट है। हाई डेफिनेशन HD मेकअप का मतलब है हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप करना, उसको बोलते हैं HD मेकअप। तो मार्केट में बहुत सारे HD प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जनरली पहले हम नॉर्मल मेकअप किया करते थे, आज से 8-10 साल पहले। तो नॉर्मल मेकअप और HD मेकअप में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि एक तो HD मेकअप फ्लॉलेस बेस बनाता है। फ्लॉलेस बेस वो इस कारण बना पाता है क्योंकि HD में बहुत सारे सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं, इस कारण से जो मेकअप बेस लगता है जब वो स्किन पर टच होता है तो जो भी फ्लॉज होते हैं स्किन के, रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, वो सारे के सारे नेचुरल लुक के साथ कवर कर देता है। और वहीं जो नॉर्मल मेकअप हुआ करता था, या आप नॉर्मल मेकअप अभी भी अगर आप अपने क्लाइंट को देते हैं तो वो आपके स्किन की फ्लॉज को बिल्कुल भी नहीं छुपा पाएगा। तो इसीलिए HD मेकअप यानी कि HD के प्रोडक्ट्स के साथ जो हम मेकअप करते हैं उसको हम HD मेकअप कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि HD मेकअप एक्सट्रीम हीट और लाइट कंडीशंस के कारण भी कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। मतलब कभी भी आपका मेकअप ऐसा नहीं होगा कि बहुत गर्मी हो रही है या फिर कैमरेज की लाइट या कोई भी रिफ्लेक्शन के कारण आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इस कारण से। तो इसीलिए हमेशा अगर आप किसी अच्छा फंक्शन है, आपका एंगेजमेंट है या आपकी शादी है या आपकी क्लाइंट का एंगेजमेंट है या क्लाइंट की शादी है, तो आपको हमेशा HD प्रोडक्ट्स के साथ ही मेकअप करना चाहिए उनका। जनरली नॉर्मल मेकअप आप उनको दे सकते हो जो बहुत ही हल्का फुल्का मेकअप कराना चाहते हैं और कुछ ही कॉलेज पार्टी वगैरह में जा रहे हैं और 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको नॉर्मल मेकअप दे सकते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ। बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपका पार्लर है तो आपको आपके क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट देने के लिए HD मेकअप से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपकी कैटेगरीज जो भी आपने मेकअप में कैटेगरीज बना रखी होंगी, तो HD मेकअप मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ मैं आपको बताती हूँ एयर ब्रश मेकअप। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जब भी मेरे यहाँ कोई भी क्लाइंट आता है, उनकी शादी हो रही होती है या उनके एंगेजमेंट हो रही होती है या उनको किसी पार्टी फंक्शन अटेंड करने जाना होता है, तो वो हमेशा आके, क्योंकि जनरली आपके क्लाइंट्स को नहीं पता कि उन क्या होता है मेकअप, दे जस्ट वॉन्टेड टू लुक ब्यूटिफुल इन देयर स्पेसिफिक वॉट विल बी द ओकेजन। तो आपका काम है एज अ मेकअप आर्टिस्ट की आपको आपके क्लाइंट को सुंदर बनाना है। आपके क्लाइंट को नहीं पता कि उन पे आप कौन सा मेकअप देने वाले हैं, HD देने वाले हैं, एयरब्रश देने वाले हैं या 3D देने वाले हैं, बट आपको सबसे पहले एनालाइज करनी है उनका स्किन टाइप। जब आपको टाइप उनका समझ आ जाएगा कि उनका स्किन टाइप क्या है या उनका स्किन टेक्सचर कैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लाइंट आता है और आप देखते हो कि उनके स्किन में कुछ कुछ फ्लॉज तो सबके में ही होते हैं बट ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा पिंपल्स के दाग नहीं है या फिर ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आप उनको
एच डी मेकअप दे सकते हैं, बिकॉज एच डी मेकअप के कंसीलर्स, एलोए प्रो के जो कंसीलर्स होते हैं, ये सारे के सारे एच डी में ही होते हैं. यू नो, टाटे के कंसीलर्स, ये सारे एच डी के ही हैं. इवन फॉरएवर 52 के जो भी फाउंडेशंस हैं, फॉरएवर 52 के जितने भी कंसीलर्स हैं, वो भी सारे एच डी के ही हैं. मैक के सारे एच डी के हैं. तो आप उनको एच डी वाला मेकअप करेंगे तो उनके जितने भी छोटे मोटे जो भी फ्लॉज हैं स्किन के, वो छिप जाएंगे. बट अगर आपके क्लाइंट के स्किन पे पिंपल्स, एक्टिव पिंपल्स या बहुत सारे स्पॉट्स हैं, अच्छे खासे मतलब पिंपल्स हैं पूरा स्किन पर, तो छोटा मोटा तो आप यू नो पिंपल्स एचडी मेकअप से हाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके स्किन, आपके क्लाइंट के स्किन पे बहुत ज़्यादा ही हैं और उसके अलावा पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ भी बहुत सारी हैं, तो आपको एयरब्रश मेकअप ही उन्हें रिकमेंड करना पड़ेगा. तभी उनका जो भी फ्लॉज दिख रहे हैं और पिंपल्स दिख रहे हैं या स्कार्स दिख रहे हैं या पिगमेंटेशन के बहुत सारे वो है, मतलब दाने हो रहे हैं, तो फिर वो एयरब्रश मेकअप ही छुपा पाएगा, हाइड कर पाएगा. नाउ एयरब्रश मेकअप क्या होता है? बेसिकली एयरब्रश मेकअप एक गन, एक मशीन होती है, उसके साथ हम करते हैं. और उसके जो फाउंडेशंस होते हैं वो अलग मिलते हैं मार्केट में. नॉर्मल वाले फाउंडेशंस आप एयरब्रश मशीन में नहीं डाल सकते, ये चीज़ आप लिख लेना. जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस में, उनको ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल जो फाउंडेशंस होते हैं हम उसके उस गन में, यानी कि एयरब्रश के गन में हम कभी भी नहीं डालते हैं. एयरब्रश की मशीन्स के लिए अलग से फाउंडेशंस होते हैं, वो सारे ही एचडी होते हैं. ये भी बता दूँ स्पेसिफिकली कि सारे एचडी होते हैं. और क्रायलॉन में, मेकअप फॉरएवर में और बड़े बड़े जितने भी मैक में, इन सब में अवेलेबल होते हैं एयरब्रश के लिए फाउंडेशंस. उसके अलावा ये इनका जो बेस बनता है एयरब्रश का, वो काफ़ी अच्छा बनता है, थिक बेस बनता है. फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं गन से, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा बताती भी जा रही हूँ. फाइन पार्टिकल्स होते हैं और मैं इस प्रैक्टिकल क्लासेस में आप लोगों को एयरब्रश मेकअप भी करके दिखाऊंगी. लास्ट के कुछ वीडियोस में आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि दी आप हमें प्रैक्टिकल भी बताइए. अभी हमारी थ्योरी क्लास चल रही है, प्रैक्टिकल मॉडल्स पे मेकअप करके बताऊंगी, एचडी मेकअप भी करके बताऊंगी, एयरब्रश मेकअप भी बताऊंगी और 3D की टेक्निक भी बताऊंगी कि किस तरीके से होता है. तो डोंट वरी, अभी जो थ्योरी है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को. तो मैं बात करी थी एयरब्रश मशीन की. तो ये जो एयरब्रश मेकअप होता है ये परफेक्ट बेस देता है. बट अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके क्लाइंट के स्किन पे कुछ ज़्यादा ही फ्लॉज हैं, ज़्यादा ही पिंपल्स के दाने हैं, तभी आप एयरब्रश मेकअप उन्हें रिकमेंड करें. अदरवाइज एचडी मेकअप भी काफ़ी अच्छा काम करता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है. एक एयरब्रश मशीन का एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. अगर आप एक्सपर्ट नहीं है एयरब्रश मशीन चलाने में या आपको नहीं आता है एयरब्रश मशीन चलाने में, तो कई बार आप गड़बड़ कर सकते हैं. तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एयरब्रश मशीन की, तो आप अपने मॉडल्स पे या फिर आप अपने अपने स्टाफ पे, किसी के साथ या आपके घर में कोई है, उन पे आप प्रैक्टिस करें. एकदम से आप क्लाइंट पे प्रैक्टिस मत करना, अदरवाइज़ आपकी एयरब्रश मशीन, हमेशा एक्सपर्ट जो होते हैं वही अच्छे चला पाते हैं, नहीं तो पैचेस आ जाते हैं. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एयरब्रश अगर आप कर रहे हैं तो एयरब्रश आपको बहुत अच्छे से मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए. नाउ मैं आप बात करती हूँ 3D मेकअप की. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 3D मेकअप क्या होता है, HD मेकअप क्या होता है. अब ये कहीं ना आप लोग एक दूसरे से जोड़ देते हो 3D और HD मेकअप को. बेसिकली 3D मेकअप एक टेक्निक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, आई होप आपको आ रहा होगा समझ में. और 3D के कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, 3D इज़ जस्ट अ प्रो टेक्निक ऑफ द मेकअप, जिसमें हम पॉपअप करते हैं उन फीचर्स को जो आपको उभारने हैं और जो आपको कम करने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग होती है. कॉन्टोरिंग हम कैसे करते हैं, हाईलाइटिंग हम कैसे करते हैं, इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी आप लोगों को. कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग अभी तक आप लोगों को पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखते होंगे जो 3D इफेक्ट्स वाले होते हैं. इसका मतलब है तीनों तरफ से वो एक जैसी दिख रही होती हैं, ठीक है. तो 3D मेकअप एक टेक्निक होती है कॉन्टोरिंग की, स्पेसिफिक फीचर्स को पॉपअप करने की. और जब सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है 3D मेकअप करने का, कि जो पिक्चर्स लिए जाते हैं या फिर वीडियोस बनते हैं वो बहुत अच्छी आती है. कॉन्टोरिंग हो जाती है फेस की, तो अगर किसी का फेस ब्रॉड है तो थोड़ा पतला दिखने लगता है,
और चिन बिल्कुल स्पेसिफिक दिखती है, जॉ लाइन वगैरह बिल्कुल शार्प दिखती है। उस चीज़ को शार्प दिखाने के लिए पिक्चर्स में, वीडियोस में कंटूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल मेकअप अगर आप कर रहे हो किसी का, या एचडी मेकअप भी कर रहे हैं, और उसमें अगर आपने 3D नहीं डाला, यानी कि कंटूरिंग नहीं डाली, तो कभी भी पिक्चर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अगर आप किसी का ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, या इंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं, या आप खुद का भी मेकअप कर रहे हैं, कभी आप करके देखिएगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया आपके फेस पर और आपने कंटूरिंग नहीं की, तो आपका फेस ना बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा, कोई भी कर्व्स नहीं दिखेंगे आपके फेस पे। तो बेसिकली बहुत ही इजीली मैंने आपको बता दिया कि 3D मेकअप में कंटूरिंग की जाती है, कोई भी 3D के प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। इट्स जस्ट आपके पिक्चर्स को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए हम हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट जोन्स को। वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि हाईलाइट कौन कौन से जोन्स होते हैं हमारे फेस पर, कंटूरिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी। आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो यही था कि HD मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और 3D मेकअप में क्या अंतर होता है। फिर से जल्दी से मैं इन शॉर्ट बता दूँ, HD में हम HD के प्रोडक्ट्स यानी कि हाई डेफिनेशन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। एयर ब्रश में हम मशीन के द्वारा मेकअप करते हैं, गन मशीन के द्वारा। और उसके बाद 3D जो मेकअप होता है, दिस इज जस्ट अ टेक्निक ऑफ द मॉडर्न मेकअप, जिसमें कि आप कंटूरिंग एंड हाईलाइटिंग को यूज़ करके फेस को स्कल्प लुक देते हैं, फ्लैट नहीं दिखता है और वीडियोज़ और फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको समझाया कि क्या क्या डिफरेंस है, और आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से HD या एयर ब्रश मेकअप ले सकते हैं। अगर आपके आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल एयर ब्रश ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और अगर आप की ड्राई स्किन है तो आप ड्यू फिनिश के लिए HD मेकअप बहुत अच्छा होता है, इवन ब्राइडल्स के लिए भी। और 3D मेकअप को आप उसमें मर्ज कर सकते हैं, 3D में कंटूरिंग करवा सकते हैं आप, जिससे कि आपके वीडियोस और फोटोग्राफ्स अच्छे आएंगे जब भी आप आपका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ओकेशन होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा एंड तक समझ में आया होगा। और ये अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, मॉडल्स पे मेकअप करके मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्द कि किस तरीके से हम कंटूरिंग करते हैं, फ्लॉलेस बेस कैसे बना सकते हैं आप, और टाइप्स ऑफ स्किन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, पहले पूरी सारी क्लासेस देख लीजिए। तो आज का हमारा पूरा वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।